परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? इतना भयावह तूफान, हमारा तो हम डूब जाएंगे। हमारे प्राणों की रक्षा करो प्रभु। हे निम्बार्क, जाओ नाव को बचाओ। शीघ्र कुछ करना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो सकता है। प्रभु बचाओ। ये कैसा चमत्कार है? कौन है ये महात्मा? नाव नदी में डूब रही है। देखो नाव ऊपर आ गई है। हाँ देखो, नाव में सवार किसी के भी कपड़े भीगे नहीं है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। अरे अरे, वहां देखो, ये तो वही संत है जिन्होंने हमारे आंखों के आगे नदी के जल में प्रवेश किया था। कदाचित इन्होंने ही हमें डूबने से बचाया होगा। हाँ, आओ चलते हैं। हाँ हाँ चलो, उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आज अगर ये महात्मा ना होते तो हम सब इस नदी के जल में डूबकर मर जाते। हम सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्होंने हमें जीवन दान दिया है। चलिए महात्मा जी के दर्शन करते हैं। चलो भाई। हाँ हाँ चलो। हे महात्मा, आपने हम सबकी रक्षा की है, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज यदि आप नहीं होते तो हमारी संतानें अनाथ हो जाती। सब भगवान की ही इच्छा है, उन्हीं की कृपा से आप सब नदी में डूबने से बच गए। यदि धन्यवाद देना ही है तो उन्हें दो। श्री राधा कृष्ण का नाम लो, उनकी शरण में जाओ। मुझे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा देकर नाव को डूबने से बचाने को कहा था। भगवान, आपने हमें ठीक उसी प्रकार से बचाया है जिस प्रकार भगवान वराह ने धरती माता को डूबने से बचाया था। आज से श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं।
हाँ हाँ हम सब समर्पित करते हैं।